हे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो पड़ता है तीन मूर्ति मार्ग पे। ये है इंडिया का पहला फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम, जिसका इनॉग्रेशन 14 अप्रैल 2022 में हुआ था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे अभी हमने कार पार्क कर दी है, फ्री पार्किंग है। और यहाँ देखिए बस खड़ी है। यहाँ की टिकट्स आप काउंटर से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं म्यूजियम के अंदर। ये है यहाँ का मिनिएचर पूरे म्यूजियम का। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली इस म्यूजियम में है क्या। तो इस म्यूजियम में इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टरों की फुल डिटेल्स हैं। उन सभी प्राइम मिनिस्टर की लाइफ कैसी थी, उन्होंने क्या क्या अचीव करा इंडिया के लिए, और उनके बाहर की कंट्री के साथ रिलेशन कैसे थे, और उन्होंने क्या क्या गिफ्ट्स मिले, वो भी यहाँ इस म्यूजियम में रखे गए हैं। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेडरूम, और ये है उनका वर्क एरिया, और ये है कलेक्शन डिफरेंट गिफ्ट्स का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। उनकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। अभी तक जो वीडियो आपने देखी वो थी पुरानी बिल्डिंग की। अब हम जा रहे हैं आगे एक नई बिल्डिंग में, जो और भी नई तरीके से बनाई हुई है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक है उसका अंदर से। यहाँ पे ये LED स्क्रीन लगा रखी इतनी बड़ी, और काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं हिस्ट्री में, और ये गांधी जी का कैसी जर्नी रही है वो भी पूरा दिखाया गया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चंद्रयान 2008 में, ये वाला हमें याद है, देखा था हमने। आधार कार्ड 2009 में आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी, पोलियो फ्री हो गया था 2014 में मंगलयान। फाइटर पायलट तेजस हाई स्पीड एक और ये जो वॉल पे अचीवमेंट्स इंडिया ने करी हैं, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगा इस पूरे म्यूजियम का। तो अगर आप जाते हैं तो ये वाला पार्ट मिस मत करना।
सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं, आज आप एक नए भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। तो ये था मेरा प्रधानमंत्री संग्रहालय का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही अच्छा था और आप सबको भी एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड